जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MRPL मंगलोर रिफाइनरीज रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पूरी जानकारी। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, MRPL ने रिसेंटली एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके फॉर्म फिलअप 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और आप 9 नवंबर 2019 रात 6 बजे तक अपने फॉर्म को भर पाओगे। और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ है वो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, यही वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि रिसेंटली जारी किया गया है। और इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो 200 प्लस पदों के लिए निकाली है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और किस कैटेगरी के लिए वो भी आप देख सकते हो, और साथ ही इन पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो आपकी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रेड की पोस्ट है, इस पोस्ट पर आपको 13,800 रुपये से लेकर 38,500 रुपये दिए जाएंगे। जूनियर ऑफिसर और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी आपको सेम सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अब मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बताता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर MRPL बोलते हैं, और ये आपको फुल फॉर्म याद करके रख लेनी है, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है कहीं पर भी कि MRPL की फुल फॉर्म क्या होती है। पोस्ट नेम यानी कि किन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सभी पोस्ट के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया 200 प्लस है, तो 233 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलअप की और क्लोजिंग डेट आप यहां पर चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। और दोस्तों यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि जैसे 11 अक्टूबर 2019 को आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। जॉब लोकेशन मंगलोर कर्नाटक, यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग मंगलोर कर्नाटक में होगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ऑफिशियल वेबसाइट MRPL.co.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर दोस्तों आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों अभी तक जो आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए, पर फिर भी यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वो आपकी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की होगी। और जैसे ही कल इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी कल की वीडियो में फॉर्म फिलअप से पहले बता दूंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए 13 पद है, जूनियर ऑफिसर के लिए 1 पद है, जूनियर केमिस्ट ट्रेनी के लिए 6 पद है, और टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी के लिए सबसे ज़्यादा पद यानी कि 201 पद निकाले हैं। ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी के लिए 1 और ट्रेनी असिस्टेंट के लिए 11 पद निकाले हैं, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 233 पद। और यहाँ पर जो स्टाइपेंड है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फीस के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जैसे जानकारी आती है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख तो लिया ही कि इसका सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी तक जारी किया है, और इसमें जितनी जानकारी थी वो आप यहाँ पर जान चुके हो। और जो आपकी यहाँ पर डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। पर मैं यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में बता दूं कि इसमें जो आपकी मिनिमम एज लिमिट होगी वो 18 साल होगी और मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल रहेगी, जिसमें SC/ST को 5 साल की छूट दी जाएगी आयु सीमा के अंदर और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो कल यहां पर लिंक एक्टिवेट होने से पहले आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको फॉर्म फिलअप से पहले बताने वाला हूँ कि ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको पहले चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी पोस्ट पर एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो आप आगे उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी MRPL रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज आप उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।